हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टेक्निकल अत्याचार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप लोगों ने वोट किया था। तो इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। मोर्टार यानी जो मसाला होता है ब्रिक वर्क को जोड़ने के लिए, उसका कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे, निकालना सीखेंगे कि हम कैसे निकालते हैं। और जैसे ही हम वो सीख जाएंगे कि एक मीटर क्यूब मसाले का दाम या मोर्टार का क्या कॉस्ट लगेगा, वैसे ही उसके बाद अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ब्रिक वर्क को पर मीटर क्यूब बनाने का कितना खर्चा आता है। तो चलिए मोर्टार का कॉस्ट निकालने के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें। अब देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो आपको साथ के साथ उसके स्पेसिफिकेशन भी बताना होगा। जैसे मोर्टार अगर आप बना रहे हैं तो मोर्टार में तीन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। मोर्टार में क्या होता है? पहला होता है सीमेंट, दूसरा होता है सैंड और तीसरा होता है वाटर। तो देखिए, हमें एक मोर्टार का, मान लीजिए ये मोर्टार है, इस मोर्टार का कॉस्ट निकालना है। अब ये इतना आसान काम है, लेकिन क्या होता है जब भी हम किसी इंजीनियर से या किसी से भी पूछते हैं कि एक मोटर बनाने का क्या खर्चा आएगा, तो लोग सोचने लगते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग कभी ना कभी एक समोसे का दुकान खोलने का एस्टिमेशन सोचा तो ज़रूर होगा कि एक समोसा में का दुकान खोल लेते हैं या इस एक समोसे को बनाने में कितना खर्च आता है। तो आप हमेशा सोचते हैं कि अच्छा, इसमें 10 पैसे का आटा लगता होगा, मैदा लगता होगा, 2 रुपये का आलू लगता होगा, 1 रुपये का मसाला लगता होगा, तेल लगता होगा, लेबर लगता होगा, सब मिला के एक 10 रुपये का जो समोसा मिलता है उसको बनाने का खर्चा 4 रुपया होगा, 5 रुपया होगा। आपने हमेशा कैलकुलेट किया है। ये मोर्टार भी उससे अलग नहीं है भैया, सेम है। आपको मोर्टार में क्या क्या लगता है? सीमेंट लगता है, सैंड लगता है, वाटर लगता है, और क्या लगता है? लेबर लगता है। लेबर क्या करेगा? उसको लाएगा, मिक्स करेगा, उसको प्लेस करेगा जहाँ भी लगाना है, तो लेबर लगता है। तो ये चार चीज़ें लगती हैं। अब इन चार चीज़ों का कॉस्ट हमें जोड़ना पड़ेगा। इसमें और भी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि जो सीमेंट है, ये सीमेंट तो शॉप में मिलता है, सीमेंट का एक बैग का कॉस्ट है, लेकिन उसको आपके घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज भी लगते हैं। उसी तरह सैंड को भी लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है, वाटर के लाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है। तो लेबर के साथ साथ और क्या लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इन सब चीजों का कॉस्ट मार्केट में क्या है। अब हर समय तो आपको पता रहेगा नहीं, या हो सकता है कि जब भी आप ये कॉस्ट कैलकुलेशन करने बैठे हैं उस समय आपको आइडिया ना हो। तो वो हम कैसे करेंगे मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, हम तो ये जान गए कि इस मोटर के कंस्टिट्यूएंट्स कौन से हैं। अब सीमेंट में भी आपको लिखना पड़ेगा कौन सा सीमेंट। मान लेते हैं अभी हमारे केस में पोर्टलैंड सीमेंट है। सैंड जो है वो फाइन सैंड है, फाइन रिवर सैंड मान लीजिए, और वाटर जो है पोर्टेबल वाटर है। तो इन सब चीजों का ये स्पेसिफिकेशन हो गया, इन सब चीजों के लिए कितना खर्चा हमें अपने घर पे, हमारे जहां साइट है वहां लाने का, बनाने का, प्लेस करने का लगेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि एक मीटर क्यूब मोर्टार बनाने में कितना सैंड लगने वाला है और कितना सीमेंट लगने वाला है और कितना पानी लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि मोर्टार में कितना सीमेंट, कितना सैंड और कितना पानी लगेगा। तो पानी को मान लीजिए, जनरल मान लीजिए, पानी को भूल जाइए, पानी का कॉस्ट हम लास्ट में 1% पूरे कॉस्ट का 1% जोड़ देंगे, दैट इज द कॉस्ट ऑफ वाटर। हमें सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी यहाँ पे निकालनी इम्पोर्टेंट है। तो सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि मोर्टार का जो रेशियो है इस इज इक्वल टू 1:6, यानी 1 पार्ट सीमेंट एंड 6 पार्ट सैंड।
अगर इस वाले मोर्टार, क्योंकि जनरली जो ब्रिक की जुराई या ब्रिक वर्क में जो मोर्टार का यूज होता है वो उसमें इसी मोर्टार का इस्तेमाल किया जाता है, वन पार्ट सीमेंट और वन पार्ट सैंड। अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि एक मीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब सीमेंट लगेगा, एक मीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब सैंड लगेगा। ये सबसे पहला टास्क है। तो सबसे पहले चलिए बेसिक से चलते हैं। एक वीडियो मैंने कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने के लिए ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, आप लोगों ने बहुत देखा है, अगर नहीं देखा तो इस कार्ड पे जाके देख सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर यहां भी अपनाएंगे। तो मान लीजिए कि हम लेके आए 1 मीटर क्यूब सीमेंट और प्लस 6 मीटर क्यूब सैंड, यहां लिखते हैं सीमेंट और यहां सैंड। हम बाजार से खरीद के लाए 1 मीटर क्यूब सीमेंट और 1 मीटर क्यूब सैंड, तो हमें कितना मटेरियल खरीद के लाए, 7 मीटर क्यूब। लेकिन क्या दोनों को मिक्स कर देंगे तो 7 मीटर क्यूब मटेरियल बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सैंड जो होता है बड़ा बड़ा होता है, सैंड के अंदर होते हैं वॉइड्स, और जब आप दोनों को मिक्स करके कॉम्पैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सैंड के वॉइड्स के अंदर सीमेंट घुस जाएगा और सीमेंट के वॉइड के अंदर वाटर घुस जाएगा। तो जो आपको इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो क्वांटिटी मिलेगी वो काफ़ी कम मिलेगी, 7 मीटर क्यूब नहीं मिलेगी। तो उसके लिए एक फैक्टर है, हर रेशियो के लिए अलग अलग फैक्टर है। इसके लिए जो 1:6 सीमेंट मोर्टार है उसके लिए जो फैक्टर है वो फैक्टर है 1.428। या मोटा मोटा याद रखना है तो आप रख लीजिए याद 1.248, मोटा मोटा याद रखना है तो 1.25। तो ये जो फैक्टर क्या काम करेगा, इस फैक्टर को याद रखना पड़ेगा आपको। मैं और भी फैक्टर्स बताऊंगा सारे रेशियोज के लिए, ये 1:6 रेशियो के लिए ये फैक्टर है। ये फैक्टर क्या करेगा कि आपको बताएगा कि अगर 1 मीटर क्यूब सीमेंट और 6 मीटर क्यूब सैंड बनाएंगे तो 7 मीटर क्यूब मोर्टार ना मिलके 7/1.25 मीटर क्यूब मोर्टार बनेगा। यानी मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं गुना भाग करता हूं, 7/1.248 दिस इज इक्वल टू 5.6 मीटर क्यूब। तो चलिए इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। 1 सीमेंट, शॉर्ट में लिखते हैं सीमेंट, 1 सीमेंट प्लस 6, ये सब मीटर क्यूब में है, सैंड बराबर 5.6 क्या मोर्टार। 1 मीटर क्यूब मीटर क्यूब मीटर क्यूब मीटर क्यूब, तो रेशियो जो होते हैं वो वॉल्यूम का होता है। तो 1 मीटर क्यूब सीमेंट प्लस 6 मीटर क्यूब सैंड इज इक्वल टू 5.6 मीटर क्यूब मोर्टार बनेगा। अब 1 मीटर क्यूब मोर्टार बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 5.6 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/1/5.6 सीमेंट प्लस 6/5.6 सैंड इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब तो है ही, 1 मोर्टार। सिंपल है ना? अब हमें इनका वैल्यू निकालना है, तो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। अगर बहुत आसान है, 1/5.6 दिस इज इक्वल टू 0.178 मीटर क्यूब सीमेंट लगेगा, प्लस सैंड कितना लगेगा, 6/5.6 इज इक्वल टू 1.07 मीटर क्यूब सैंड लगेगा। तो हमें क्या मिलेगा, 1 मीटर क्यूब ऑफ मोर्टार। अब हमें पता चल गया कि हमें 1 मीटर क्यूब सीमेंट मोर्टार अगर बनाना है तो उसमें 0.178 मीटर क्यूब सीमेंट, 1.07 मीटर क्यूब सैंड लगना है। अब इसका हमें क्या करना होगा, कॉस्ट निकालना होगा, बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं। अब हमें मिल गया है क्वांटिटी, अब हम निकालेंगे इसका कॉस्ट, किसका कॉस्ट कितना आता है। तो सबसे पहले देखिए, ये तो मीटर क्यूब है सीमेंट, इसको हम लोग बदल देते हैं टन में।
कि कितना टन सीमेंट लगेगा, क्योंकि सीमेंट का जो बेसिक यूनिट है उसको हम लोग टन में ही काउंट करते हैं। हालांकि सीमेंट बैग्स के रूप में मिलता है 50 केजी के बैग्स में, लेकिन यहाँ हम लोग टन का इस्तेमाल करेंगे और बैग्स में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले सीमेंट का जो डेंसिटी होता है, CEMENT, सीमेंट डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब तो आपको पता ही होगा, उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है। यह होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब, यानी एक मीटर क्यूब का वजन होता है 1440 केजी। तो 0.178 मीटर क्यूब का वजन, 0.178 गुना 1440 केजी। तो इसको जरा कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर से, 0.178 गुना 1440 इज इक्वल टू 256.32 केजी, 256.32 केजी। और इसको अगर टन में करें, टन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.256 टन। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं 0.25 टन। सीमेंट लगना है 0.25 टन, उसके बाद और कुछ हमें नहीं करना, बाकी हमें मीटर क्यूब में ही वैल्यू चाहिए। अब हम एक टेबल बनाते हैं। पहला लिखते हैं मटेरियल, फिर लिखते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फिर लिखते हैं रेट, नहीं फिर लिखते हैं क्वांटिटी, कितना लगना है, कितने के लिए, ये मिटा देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ बराबर 0.25 टन। उसके बाद लिखता हूँ क्वांटिटी, और उसके बाद लिखता हूँ रेट, उसके बाद लिखता हूँ अमाउंट। और इसके पहले आप चाहें तो एक और कॉलम डाल सकते हैं सीरियल नंबर का, जो कि अभी हमने नहीं लिखा है, इसकी ज़रूरत अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि दो ही तीन मटेरियल है। तो सबसे पहला मटेरियल है सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट लिख दीजिएगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इसका टन, क्वांटिटी कितना लगना है 0.25, और रेट जो जनरल रेट कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए लेना होता है वो है 5700 रुपीज पर टन, ये है रुपीज में 5700 रुपीज पर टन। तो कितना अमाउंट होगा हमारे इस मोटर को, 1 मीटर की मोटर बनाने में कितना लगेगा, 5700 गुना 0.25 इज इक्वल टू 1425 रुपया। तो 1425 रुपया का हमारे पास सीमेंट लग जाएगा। उसके बाद है सैंड, और यहाँ पे कौन सा सैंड है, फाइन सैंड, ये याद रखिएगा, कोर्स सैंड और फाइन सैंड का रेट अलग अलग होता है, तो आप कौन सा मोर्टार बना रहे हैं वो ध्यान देने वाली बात है। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, क्यूबिक मीटर। क्वांटिटी कितनी है सैंड की, 1.07 मीटर क्यूब, 1.07 मीटर क्यूब, ये यूनिट यहाँ लिख दिया क्यूबिक मीटर। और रेट जो होता है 760 रुपया प्रति मीटर क्यूब जो है आपका सैंड का रेट होता है, ठीक है। तो 1.07 के हिसाब से 7 गुना 760 अगर करते हैं तो ये आपका रेट आएगा 813 रुपया। ये तो मार्केट का प्राइस है, लेकिन आपको अपने घर पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी देना होगा। तो एक एवरेज ट्रांसपोर्टेशन हम लोग अभी अज्यूम करेंगे कि जो आपका सीमेंट के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करीब 92 रुपया 24 पैसा का रेट है, 92 रुपीज़ 24 पैसा। तो सीमेंट हो गया, और ये सीमेंट के साथ कैरेज ऑफ सीमेंट, सीमेंट को ढोने के लिए जो आपको मटेरियल जो पैसा लगेगा, इसका भी यूनिट है टन, क्वांटिटी 0.25। तो 0.25 जो है, और रेट इसका होता है 92.24 रुपीस। ये आप लोकल जहां के लिए भी आप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं आप वहां का रेट पता कर लीजिएगा, अगर नहीं पता कर सकते हैं तो इसी रेट को 92.24
रुपीज पर टन एज्यूम करके फिलहाल एक फर्स्ट कट पाने के लिए आप ये एज्यूम करके कैलकुलेट कर लीजिए, और इसके बाद इसमें आएगा आपका 0.25 गुना 92.24 और ये आएगा 23 रुपया 6 पैसा। तो यहाँ लिख दीजिए 23 रुपया 6 पैसा। उसी तरह फाइन सैंड को जो ढोने का जो कॉस्ट होता है वो होता है 103 रुपया पर मीटर क्यूब। ये रेट होता है 103 रुपीज। तो कैरेज ऑफ सैंड, तो इसका भी यूनिट होगा क्यूमेक में, यूनिट 1.07 ही रहेगा, 103 रुपया। तो रेट निकाल लीजिए 103 गुना 1.07, दिस इज बिकम्स 110 रुपया 21 पैसा। ये तो हो गया आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद इसमें लगेगा कॉस्ट ऑफ लेबर 74 रुपया। तो लेबर का कॉस्ट टोटल लमसम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया लमसम, और ये ले लीजिए 374 रुपया 00। अब इसको जोड़िए 1425 प्लस 23.06 प्लस 813.00 प्लस 110.21 प्लस 374, ये आता है 2745 रुपया 27 पैसा। 2745 रुपया 27 पैसा। और इसमें जोड़िए 1% वाटर का कॉस्ट, वाटर का जो भी जहाँ जो भी लोकल मीन से जो भी आप व्यवस्था करेंगे, तो 1% इसका कितना हो जाएगा 0.01। तो ये 27 रुपया इसमें वाटर का जोड़ दीजिए, तो जो टोटल कॉस्ट आएगा 2745.27 प्लस 27 रुपया, तो 2772 रुपये लगभग। तो 1 मीटर क्यूब मोटर का जो कॉस्ट आया, 1 मीटर क्यूब सीमेंट सैंड मोटर 1:6 का जो कॉस्ट आया 2772 रुपया पर मीटर क्यूब। अब इसी डेटा का इस्तेमाल हम लोग अगले वीडियो में जब हम लोग ब्रिक मशीनरी का कॉस्ट निकालेंगे उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट 15% या 10% नहीं ऐड किया हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि ये तो मैंने एक प्रोसीज्योर आपको समझाया कि कैसे निकालना है, जो लोकल रेट्स वो आपको पता कर लेना चाहिए, सीमेंट का क्या रेट चल रहा है, सैंड का क्या रेट चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके साइड पे लाने का क्या लगेगा, तब आप एक्चुअल में बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्चुअल कॉस्ट और प्रैक्टिकल कॉस्ट निकाल पाएंगे। लेकिन वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो मैंने फैक्टर्स लिए थे सीमेंट सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए वो अलग अलग होंगी, और वो कितनी होगी वो मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा। और एक भी बात कि जो भी मैंने कॉस्ट प्राइस और ये सब लिया है, ये रेफरेंस है DAS दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट्स से हमने लिया है 2016 DAR जिसको बोलते हैं, इंटरनेट पे आसानी से मिल जाता है, आप उसको सर्च करिए, उसमें सारे रेट्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है और उसका जो कैलकुलेशन का भी मेथड है बिल्कुल यही है। तो ये सारे जो रेट्स लिए हैं मैंने सब कुछ वहीं से लिया है, तो यही मैं बताना चाहता था। और एक चीज़ मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि जब भी आप सीमेंट सैंड और मोटर कैलकुलेट करें तो डिफरेंट रेशियोज के लिए जो फैक्टर मैंने गुना किया था जो कि 1.248 था इस केस में, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर आप 1:1 का मोटर कैलकुलेट करते हैं तो इसमें रेशियो लेना है 1.43 का, 1:1.43 से वो जो फैक्टर है जिसमें आप डिवाइड कर रहे थे, 1:2 के लिए लेना है आपको 1.425, उसके बाद 1:3 के लिए लेना है 1.427, फिर 1:4 के लिए लेना है 1.338, 1.5 के लिए लेना है 1.284 और 1.6 के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 1.248। अब इस पे जरा हम नज़र डालें,
ये देखिए सबसे पहला वैल्यू 1.43, उसके बाद ये डिक्रीज होके आ गया 1.425, लेकिन फिर इसके बाद ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 1.427 इंक्रीज हो गया, और उसके बाद फिर सारे वैल्यू डिक्रीज हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि 1.3 से लेके इन सभी वैल्यूज में जो सैंड की क्वांटिटी होती है वो होती है 1.07 मीटर क्यूब। अब आप एक चीज़ इस पे भी गौर कर सकते हैं कि हम मोर्टार बना रहे हैं 1 मीटर क्यूब और सैंड लग रहा है 1.07 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब से ज़्यादा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब आप कॉम्पैक्ट करेंगे सैंड को सीमेंट और वाटर के साथ तो उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है इस फैक्टर के हिसाब से। और इन दोनों केसेज में जो सैंड की क्वांटिटी होती है वो 1 मीटर क्यूब से कम होती है, लेस देन। इसी वजह से ये वैल्यूज थोड़े ज़्यादा हैं और बाकी के वैल्यूज रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये मैं इसलिए नोट था, ये बता दिया मैंने आपको। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।